का हमारा टॉपिक है हाई टेम्परेचर कोरोजन। अस्सलाम वालेकुम, कोरोजन सीरीज के अगले लेक्चर में आप खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद तंजुम और आज का हमारा टॉपिक है हाई टेम्परेचर कोरोजन। पहले हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर कोरोजन की थर्मोडाइनमिक देखी थी, आज हम थर्मोडाइनमिक डिस्कस करेंगे अगर हमारा कोरोजन एलिवेटेड टेम्परेचर पर हो रही है। तो थर्मोडाइनमिक्स तो आपको पता है तकरीबन सेम ही रहती है, गिब्स फ्री एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन एट हाई टेम्परेचर उस वक़्त हमारे पास वाटर या लिक्विड तो नहीं होगा, ये वेपोराइज हो चुका होगा, तो हमारे पास मोस्टली जो प्ले करेगा चीज़ वो गैसेस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कैथोडिक रिएक्शंस को देखें तो हमारे पास मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें तो उस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन होगा, तो हम उस वक्त ऑक्सीजन की एक्टिविटी देखेंगे कि उसको क्या है, और उसकी एक्टिविटी के लिहाज से हम देखेंगे कि उसका पार्शियल प्रेशर क्या है। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगी तो हमारे पास आपकी गिब्स फ्री एनर्जी इसके बराबर होगी, यानी कि ये वाली चीज़ ज़ीरो को हो जाएगी। तो मोस्टली हम देखेंगे आपका पार्शियल प्रेशर क्या है और आपके मेटल ऑक्साइड उस पर क्या बन रहा है, तो इस लिहाज से हम इसको स्टडी करेंगे। लिंगम डायग्राम जो है ये सूटेबल है अगर हम हाई टेम्परेचर कोरोजन को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे मेटल्स का जो है वो रिएक्शन जो है हमें बताती है। मोस्टली जो है ये हमें वैल्यू दे देती है ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर की, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड रेशो की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाटर की रेशो की, और इसके वाइस वर्सा भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो है किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन की मालूम कर सकते हैं, और उसके विद रिस्पेक्ट ये चीज़ें भी हम उस डायग्राम से देख सकते हैं। अब अगर हमारे पास लिंगम डायग्राम है तो उससे हमने कैसे कोई चीज़ मालूम करनी है, तो हम क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ करेंगे टॉप एट टॉप के ऊपर, जहाँ हमारी फ्री एनर्जी ज़ीरो होगी, और देख लेंगे लेफ़्ट पर जाके कि वहाँ हमारा टेम्परेचर भी ज़ीरो हो। उससे फिर हम जहाँ भी आगे पीछे जाना चाहें उसको हम वहाँ से मालूम कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये मैं अगर आपको डायग्राम के ऊपर ज़रा दिखाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉप लाइन है, इसके ऊपर यहाँ देखें, यहाँ आपका टेम्परेचर भी ज़ीरो हो जाएगा और आपकी फ्री एनर्जी भी ज़ीरो है। अगर हम यहाँ से इस तरफ जाएँ, उस पॉइंट पर जाएँ, तो यहाँ आपका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ से अगर हम नीचे जाएँ तो इस पॉइंट के ऊपर, तो आप देखें कि क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। और अगर हम उससे मज़ीद नीचे जाएँ तो हमारे पास ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। मज़ीद अगर हम इस पॉइंट पर चले जाएँ तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन दे रही है। तो यहाँ से अगर हम चाहें कि इस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा वो भी हम देख सकते हैं। ये वाली लाइन जिस तरह की आप देख रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को शो करती है। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये हो और ये टेम्परेचर हो, तो उस वक्त हमारे पास को क्या रिएक्शन हो रहा होगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। उस वक्त इनकी रेशो क्या होगी कार्बन और ऑक्सीजन की, वो या हम इस लाइन से मालूम कर सकते हैं, और उस वक्त हाइड्रोजन और वाटर की रेशो क्या हो सकती है, वेपर्स की रेशो, वो हम इस लाइन से मालूम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल इस केस में हमारे पास ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की रेशो क्या होगी। ये चीज़ मेरे ख्याल उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही होगी। जब हम लिंगम डायग्राम कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो उस लिंगम डायग्राम को डेवलप करते हुए उन्होंने कुछ चीज़ें अस्यूम की हैं कि हमारा जो प्रेशर होगा वो 1 bar होगा, हमारी एक्टिविटी जो है 1 होगी, यूनिटी होगी, और हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 1 mole के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, और जो हमारे पास जो लाइंस आई हैं वो इस एंट्रोपी चेंज की वजह से आई हैं, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के लिहाज से अगर हम उस पर देखें तो जाहिर बात है यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी है और यहाँ टेम्परेचर है, अगर कोई स्लोप इन दोनों के दरमियान बन रहा है तो जाहिर बात है वो इसका डेरिवेटिव ही होगा।
अगर हम इसका डेरिवेटिव दें तो बेसिकली थर्मोडायनामिक के टर्म में वो थर्ड लॉ बन जाता है और वो उसके इंट्रोपी के नेगेटिव स्लोप के बराबर होता है। मोस्टली रिएक्शन वन मोल ऑफ द गैस हम कहते हैं कि कंज्यूम किया उसको सॉलिड प्रोडक्ट बनाने में और उसकी इंट्रोपी है वो पॉजिटिव स्लोप होगी। इसी तरह कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो नेगेटिव स्लोप है वो भी हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम उसको यहीं सी वजह से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप इजाज़त चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।